फ्रेंड्स फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 लेटेस्ट किनर चैनल पे और एक नया अपडेट को प्रोवाइड किया 27695 इसी बिन नंबर के साथ। कुछ नया फीचर छोड़कर कुछ इंपॉर्टेंट फिक्सेस प्रोवाइड किया, सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने का कोशिश करता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो मेरा लैपटॉप है विंडोज 11 चल रहा है, वर्जन कौन सा है मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो तो विंडोज 11 चल रहा है, उसके साथ साथ OS जो बिल्ड नंबर है 27695 जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 लेटेस्ट केनर चैनल पे प्रोवाइड किया, मैं इसको पूरी तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। तो अभी मैं बोलने का कोशिश करता हूँ क्या कुछ नया फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने इस बिल्ड नंबर के साथ प्रोवाइड किया। और फर्स्ट हो सकता है कि आपको विंडोज 11 को आप अपडेट करते हो और अपडेट करने के साथ साथ आपका जो विंडोज 11 है वो रीस्टार्ट बोलता है, आपका PC को रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट के साथ रीस्टार्ट में एक टाइम को सेट किया, 15 से 15 मिनट एक टाइम को माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से मेंशन कर दिया। इसी टाइम के बीच में आपका PC पूरी तरह से रीस्टार्ट होगा, उसी टाइम के अंदर आपका फाइल फोल्डर जो कुछ ओपन है सेव करके रख सकते हो। ऐसा नहीं कि रीस्टार्ट का स्विच आ गया, वहां पर प्रेस करने के साथ साथ आपका PC रीस्टार्ट हो गया और जो कुछ फाइल फोल्डर था आपका ओपन अनसेव वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट विंडोज 11 PC में बहुत सा कुछ नोटिफिकेशन आता है। देखो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ नोटिफिकेशन सेंटर पे, देखो यहाँ पर बहुत सा कुछ नोटिफिकेशन आया। तो अभी से जो नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हो वही नोटिफिकेशन आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फीचर्स को पूरी तरह से विंडोज 11 के साथ ऐड कर दिया। चलो मैं इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट इसके लिए आपको स्टार्ट ऑप्शन जाके आपको सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाके आपको सिस्टम में जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन जो सेंटर है जाके यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर जो कुछ सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो यहाँ पर इसको ऑन रख सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो इसको पूरी तरह से ऑफ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारा कुछ ऐप्स है, इसका ये सारा कुछ ऐप्स का नोटिफिकेशन जो है आप पूरी तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का जो विजेट सेशन है इसका जो सिक्योरिटी है इसको पूरी तरह से इम्प्रूव किया। इसके साथ साथ विजेट सेशन में बहुत सारा अननेसेसरी बहुत सारा न्यूज ऑटोमेटिकली आ जाता था पहले, अभी यहाँ पर जो कुछ न्यूज आपका नेसेसरी है उसी न्यूज यहाँ पर शो होगा अभी से। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फिक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया, चलो मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में बहुत सारा PC में फाइल एक्सप्लोरर में बहुत सारा कुछ इशू आ रहा था। देखो यहाँ पर अगर आप विंडोज की प्लस ई पे ओपन करते हो देखो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर पूरी तरह से ओपन हो गया। अब फिर से यहाँ पर ओपन ई को पेश करते हो देखो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो बहुत सारा PC में ये इशू आ रहा था कि विंडोज की और ई ये दो स्विच को पेश करने के साथ साथ फाइल एक्सप्लोरर ओपन ही नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। इसके साथ साथ फाइल एक्सप्लोरर में कुछ सर्च करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ ये दो स्विच को प्रेस करना होता है। देखो यहाँ पर सर्च ऑप्शन पूरी तरह से हाईलाइट हो गया। तो बहुत सारा विंडोज 11 PC में ये दो स्विच को प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर सर्च ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हो रहा था। तो इस चीज को पूरी तरह से फिक्स किया मैं सामने ये अपडेट देने के साथ साथ। और इसके साथ साथ कुछ विंडोज 11 PC में फाइल एक्सप्लोरर में और एक प्रॉब्लम आ रहा था, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ उसके साथ साथ मैं अगर फाइल एक्सप्लोरर के एक एक फीचर्स को सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर C+Tab ये दो स्विच को मुझे एक ही साथ पेश करना होगा। देखो यहाँ पर C+Tab ये दो स्विच को पेश करके मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर का एक एक चीज को मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ। देखो बहुत सारे विंडोज 11 PC में ये इशू फेस हो रहा था कि यहाँ पर C+Tab स्विच को पेश करने के साथ साथ फाइल एक्सप्लोरर में कुछ हाईलाइट ही नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और इसके साथ साथ बहुत सारे विंडोज 11 PC में ये भी इशू आया था कि अगर आप विंडोज 11 का डार्क मोड को पूरी तरह से ऑन किया तो डार्क मोड को ऑन करने के साथ साथ अगर आप विंडोज 11 का टास्क मैनेजर को ओपन किया तो टास्क मैनेजर का जो कलर डार्क आना चाहिए तो डार्क नहीं आ रहा था और एक बहुत सारा कुछ कलर ऑटोमेटिकली आ रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। और नेक्स्ट लास्ट बहुत सारा विंडोज 11 PC में ए इशू आ रहा था कि वहाँ पर विंडोज सैंडबॉक्स को ओपन करने के साथ साथ 0x8007005 ए एरर मैसेज आ रहा था। इसके साथ साथ सैंडबॉक्स पूरी तरह से गायब हो रहा था। तो इस चीज़ को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ए अपडेट देने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज़ ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।